हेलो बच्चों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम लोग लिखने वाले हैं निबंध विश्वकर्मा पूजा पर। तो जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा। और किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन, इस दिन को विश्वकर्मा पूजा या विश्वकर्मा जयंती के रूप में मनाते हैं। दूसरी लाइन, यह भारत में मनाए जाने वाले प्रसिद्ध हिंदू त्योहारों में से एक है। तीसरी लाइन, हिंदू धर्म में भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का पहला इंजीनियर माना जाता है। हिंदू धर्म में भगवान विश्वकर्मा को दुनिया का पहला इंजीनियर माना जाता है। चौथी लाइन, इस दिन लोग औजार, हथियार, वाहन, उपकरण और मशीनों आदि की पूजा करते हैं। पांचवी लाइन, सभी कारखानों व कार्यस्थलों पर भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की जाती है। सभी कारखानों व कार्यस्थलों पर भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की जाती है। छठी लाइन, भगवान विश्वकर्मा को दिव्य वास्तुकार कहा जाता है। भगवान विश्वकर्मा को दिव्य वास्तुकार कहा जाता है। सातवीं लाइन, शिल्प कलाओं से संबंध रखने वाले लोगों के शिल्प कलाओं से संबंध रखने वाले लोगों के लिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आठवीं लाइन, भगवान विश्वकर्मा को देव हथियार और सभी औद्योगिक औजार का निर्माण
कर्ता निर्माणकर्ता माना जाता है। नौवीं लाइन, हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह पूजा कन्या हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह पूजा कन्या संक्रांति के दिन मनाया जाता है। लास्ट लाइन, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 17 सितंबर को मनाया जाता है। धन्यवाद।